हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम हरि भक्ति विलास के 12वें विलास से श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे एकादशी के महत्व, एकादशी की महिमा।
एकादशी की जो महिमा है, कल हम श्रवण किया था, शास्त्र में काफी सारी महिमा का वर्णन है, द्वादशी का भी वर्णन है, द्वादशी की महिमा का भी वर्णन है और एकादशी की महिमा का भी वर्णन है। एकादशी के बारे में कहा गया है कि कल हमने 122 श्लोक तक श्रवण किया था, उसके बाद 123वें श्लोक में एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। एकादशीम प्रपन्ना ये नरवरोत्तम ते द्वंद बाधो भूत्वा ते द्वंद बाहव भूत्वा नागरी कृता केतन। इसमें अलग अलग पुराणों में बताया गया, ये है ये जो पुराण है जिसमें हम श्रवण करें, नारद पुराण है। नारद पुराण में कहा गया है जो लोग एकादशी के व्रत का पालन करते हैं वे भगवान विष्णु के पार्षद के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त करते हैं, और जिनके जो ये लोग गार्मेंट मतलब पीत वस्त्र से सुसज्जित रहते हैं और इस तरह से गले में माला पहन के पीत वस्त्रों से सुसज्जित होके वे ऐसे रथ पे सवार होके जाते हैं जिसके जिस पे गरुड़ ध्वज है। ये एकादशी की महिमा है। हमने साथ में द्वादशी की महिमा सुना था। ये भी कहा गया है कि उसी पुराण में कहा गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि जो चाहे बड़े बड़े यज्ञों से और सांख्य दर्शन से नहीं पा सके भगवान को, वो एकादशी का व्रत करने से पा सकते हैं। आगे बोला गया है, ओ ब्राह्मण, अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन फास्ट करता है क्योंकि उसके पास खाने का कुछ नहीं है, तो भी उसे फास्टिंग करने का पूरा फल मिल जाता है। अन्नाभावे यदा विप्रा एकादश्याम उपोषितः उपावासा फलम तेना समग्रम समवाप्य। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है क्योंकि उसके पास खाने के कुछ लिए कुछ नहीं है, उसको व्रत रखना पड़ रहा है खाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी उसे पूर्ण लाभ मिलेगा। अगर एकादशी कोई जेल में है, प्रिजन में है, कारागार में है और एकादशी का व्रत करता है तो भी उसे एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। यथा दावाग्निरुदितः सुक्ष्ममर्दन च गहवे दाहयत् समस्तानि कुलुषानि हरेर्दिनम्। एकादशी का संकल्प सारे प्रकार के पाप कर्म को जलाकर रख कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व जन्मों के कर्म फलों को भी नाश कर देता है और इस जन्म के कर्म फलों को भी नाश कर देता है, पाप पूर्ण कर्म। ये एकादशी का मार्ग,
आगे कहा है क्या क्या कहा गया है एकादशी के मामले में। पापेन धन्यस्य गौरस्य सुकर्ष्रयाद्रस्य भार्गवा नान्याद् विनास्य मातम विना एकादशी उपोषणम्। एकादशी का संकल्प करने के अलावा गंभीरता पूर्वक पाप किए गए क्रियाओं का जो पूर्व जन्म में की गई और वर्तमान जन्म में की गई उन क्रियाओं का और कोई प्रायश्चित नहीं। सर्व प्रायश्चितम इदम संसार उत्तरा कारकम एकादशी व्रतम विप्र कुर्वान् मुक्तिम अवाप्नुयुत। हे ब्राह्मण, जो एकादशी के व्रत का फेथफुली श्रद्धा पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने पाप पुण्य कर्णियों का पूरा प्रायश्चित कर लिया। वास्तव में वो सारे विशियस साइकिल से चक्र से पाप पुण्य के चक्र से मुक्त हो गया और मुक्ति प्राप्त कर। आगे इसका मतलब यह नहीं कि कोई एकादशी के बल पर पाप करेगा, ये एकादशी के महत्व में बताया जा रहा है। इसके बाद आगे कहा गया है एकादशी के दूसरे वर्णन में कहा गया है हे ब्राह्मण, जिसने जिस व्यक्ति ने कई सारे पाप पूर्ण क्रिया किए, 14 दिन में 15वें दिन जो एकादशी आती है उस दिन फास्टिंग कर लिया, तो भी वो एकादशी उसे सारे पाप पूर्ण कर्मों से मुक्त कर दे। इस प्रकार पुराणों की विस्तृत अध्ययन से ये कंक्लूजन निकलता है, सारे बड़े ऋषि मुनि कंक्लूजन निकालते हैं कि एकादशी को फास्टिंग करने से, एकादशी को उपवास करने से व्यक्ति सारे पाप पुण्य क्रियाओं से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशी की एक के बाद एक महिमा है शास्त्रों में। एतत् सारम इदं तत्त्वम् इदं सत्यम् इदं व्रतम् प्रायश्चितम् इदं सम्यग् एकादशेशम् उपोष्णम् सानम्। एकादशी का संकल्प करने से एक सबसे महत्वपूर्ण संकल्प पूरा होता है, और ये वास्तव में सत्य सार है। ये एकादशी का जो व्रत है ये सभी प्रायश्चितों में, प्रायश्चित करने की सारी विधियों में
सबसे श्रेष्ठ विधि। गोविंद स्मरणम नृणम एकादश्यम उपोषणम प्रायश्चितम इदम नूनम संसार उत्तरा कराकरम। एकादशी का व्रत करते हुए कोई भगवान गोविंद के चरण कमलों को याद करता है तो ये व्यक्ति इस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से अवश्य मुक्त हो जाता है। तो अब जो बात बताया जा रहा है उसमें एकादशी के साथ भगवान के चरण कमलों का भी याद करने का है। आगे बोला स्नेहेना भक्ति वैरेना प्रसंगेना यथा तथा निहंती सर्वम कौलुषम एकादश्यम स्तो हरि। एकादशी के दिन भगवान को प्रार्थना करने से, प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक यात्रा करने से, भक्ति से यात्रा करने से, बिना किसी ईर्ष्या के व्यक्ति पूर्ण रूप से पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद एकादशी की महिमा का श्रवण का है, उसी पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति एकादशी की महिमा को सुनता है बड़ी श्रद्धा के साथ में, और जो एकादशी के संकल्प को पालन करता है, और दूसरों को जो एकादशी की प्रेरणा देता है, वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और भगवान धाम नारायण के धाम प्राप्त करता है। इसके बाद पद्म पुराण में आता है जिसे भक्त बोलते हैं, मैंने स्वयं देवदूत और विकुंडल की वार्तालाप में पद्म पुराण में आता है कि मैंने स्वयं यमराज से सुना है, देवदूत और विकुंडल आपस में बात करें कि मैंने स्वयं यमराज से सुना है कि अगर सारी बाधाओं के पश्चात भी अगर कोई एकादशी का व्रत करता है एक बार भी तो वो भगवान के जो दूत यमराज है, भगवान के जो दास यमराज है, उसके द्वारा दंडित नहीं होता। एकादश इंद्रिय पापम, एकादश इंद्रिय पापम यत्कृतं वैश्य मानव एकादशी उपवासेन तत् सर्वं विलयं व्रजेत्। ओ वैश्य, जो भी पाप पूर्ण क्रिया की जाती है कोई व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति की 11 इंद्रियों के द्वारा, 10 इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 11 मन है, जो भी पाप क्रिया अगर किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है इन 11 इंद्रियों से, वो नलीफाई हो जाती, खत्म हो जाती है एकादशी का संकल्प करने से। आगे बोला गया एकादशी समन किंचित पुण्यम लोके न विद्यते। व्यजनापि कृता यस यस्य वसम यान्ति न भास्कर। इस भौतिक संसार में एकादशी से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जो लोग इस एकादशी का पालन करते हैं कभी भी यमराज के दंड द्वारा दंडित नहीं होते। आगे बोला गया बलवते यौवन वापी वर्धत्वे वा विशंबर उपासो एकादशी नूनम नैव प्राप्नोति दुर्गतिम। एकादशी का व्रत करने से बाल्यकाल में, युवा काल में, और जो व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, व्यक्ति अवश्य ही इस भौतिक संसार के कार्य सारे कष्टों से मुक्त हो जाए। एकादशी समान किंचित
पापत्रणं न विद्यते तमुपश्य विधानेन पुरुष स्वर्ग गमनी है। एकादशी से बेटर कोई संकल्प नहीं है, पाप कर्मों से विमुक्त होने के लिए एकादशी से बेटर कोई संकल्प नहीं है। इस संकल्प को प्रॉपरली अनुसरण करने से व्यक्ति अगले जीवन में उच्च लोकों में स्थान प्राप्त करता है। आगे बोला गया एकादशी की महिमा, एकतः कर्तव्य सर्वे सर्व परितीर्थ तपस तपास तपांसी च महादान दत्तानि व्रतम वैष्णवम एकतः। स्केल की एक तरफ अगर कोई व्यक्ति सारे सेक्रीफाइस को प्लेस कर दे, सारे यज्ञों को एक तरफ रख दे, सारे तीर्थ स्थानों को एक तरफ रख दे, सारी तपस्याओं को एक तरफ रख दे, सारे दान को एक तरफ रख दे, और दूसरी तरफ एकादशी की एकादशी के संकल्प को रख दे, ये एकादशी जो वैष्णव बहुत प्रिय है, तो भी जाके एकादशी की तरफ वाली साइड उसके बराबर नहीं हो पाए। या जो सारे यज्ञ हैं, तीर्थ स्थानों का भ्रमण है, तपस्या है, दान है, वो एकादशी की महत्व के बराबर नहीं हो पाए। इसमें यह भी लिखा है कि वैष्णवो व्रतजो धर्ममो धर्ममो यज्ञादि संभव एकत्र तुलितो धात्रा तत्पूर्वो ही भवेद गुरु। एक बार ब्रह्मा जी ने वैष्णव के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत को एक साइड में रखा तराजू के, और दूसरी तरफ साधारण रिचुअल जैसे यज्ञ और दूसरी चीजें रखी। तो जो वैष्णव के सिद्धांत वाला जो वैष्णव सिद्धांत पालन करते वो पल्ला भारी रहा। वैष्णव के सिद्धांत में सबसे बड़ा सिद्धांत है एकादशी का पालन। नाहं सस्त विशेषेण तेभ्यो विप्र वेभ्यं वेभेमयं येषां पुत्रश्च पुत्रश्च येषां पुत्रश्च पौत्रश्च एकादश्यम् उपोषितः स महात्मा स्वरूपसान सताम् उद्धारते बलात्। ए ब्राह्मण, मुझे कोई पावर नहीं है उन व्यक्तियों को दंडित करने के जिनके पुत्र या पौत्र एकादशी रखते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं। वास्तव में मैं ऐसे लोगों से भयभीत रहता हूं, क्योंकि ऐसे लोग जो एकादशी का उपवास सही रूप में रखते हैं, ऐसी आत्माएं अपने 100 पीढ़ियों को तार देती। इसके बाद बोला गया है एकादशी व्रतम सौम्य यदेकम सम्यग अरिजितम किम दानादि किम तपस्तीर्थ सर्वदाम विधिना कृतम। अगर कोई व्यक्ति एक भी एकादशी प्रॉपरली कर सकता है तो उसको दान देने की, चैरिटी करने की जरूरत क्या है, तपस्या करने की जरूरत क्या है, तीर्थ स्थानों पर भ्रमण करने की जरूरत क्या है। ब्रह्मा जी ने ये संकल्प को भगवान ने ये संकल्प को एक ही संकल्प को ऐसा बनाया जिससे सारे लाभ प्राप्त हो सके। आगे बोला गया है पद्म पुराण के उत्तर खंड में बोला गया है, भगवान शिव पार्वती को बोल रहे हैं,
एकादशीं परित्यज्य योहन्याद् व्रतम् आचरेत् साकष्ठं महारत्नं हित्वा भैषकंतु याचते। जो एकादशी के व्रत को त्याग देता है और उसकी बजाय कोई और व्रत करता है, तो उसका मतलब है कि उसने रत्न को त्याग दिया और भिक्षा मांगने लगी। आगे स्कंद पुराण में क्या गया, विनापि रक्ष संयोगा एकै वैकादशी नृणं विनिहंता चैनामंशी कुनरोपो विषयम यथा। एकादशी का संकल्प का पालन करने से उन उन दिनों भी जब कोई शुभ नक्षत्र नहीं, शुभ ग्रह नहीं, जैसे पुष्य, फिर भी ऐसा एकादशी का व्रत जो है व्यक्ति के सारे पुण्य कर्मों, सारे पाप कर्मों को खत्म कर देता है। जैसे कोई पापी राजा उसकी प्रजा का पूरा धन ले लेता है, उसी प्रकार से एकादशी सारे पाप कर्मों को खत्म कर देता है। एक इसके बाद बोला गया है, सक्रोचोपासने नाश्यम नाशयन्ति पापराशय एकतः पृथ्वीदानम एकतो हरिवर्ष न समान कवि भी प्रोक्तम वासरो ही दिख स्मृत। एकादशी का एक बार पालन करने से व्यक्ति के सारे पापपूर्ण फल नष्ट हो जाते हैं। विद्वान पुरुष तो वेदों में कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का दान भी एकादशी के संकल्प के बराबर नहीं है, एकादशी की महिमा का वर्णन है। यमराज अपने दूतों को डांटते हुए बोलते हैं, फटकारते हुए बोलते हैं, अगमया गमने पापम मित्रा दौरे च पातकम एता यदि प्राक्तम यच्छ यत्नेर अन्यत् उपार्जितम पाखंड आला पंजन पजनतम पतित अंचन संगतम तन्मया मार्जनम सर्वम एकादशी उपवासिनम। यमदूतों से बोल रहे हैं यमराज, यमदूतों मैं जो है अवैद संघ के पापों को भी क्षमा कर देता हूं, किसी के मित्र को मारने हत्या से भी क्षमा कर देता हूं, मैं पापी व्यक्ति का संग करने वाले को भी क्षमा कर देता हूं, चैरिटी को भी कर देता हूं, उन सब के लिए जो एकादशी के व्रत का पालन कर। इसके बाद बोला गया, एकादशी उपवासी यो नरो भवन्ति भूतले मुक्तं माया सतानंदा तेषां त्रिपरसरं कुलम्। और सतानंद उसी में बोला जा रहा है, अमृत सर्वधारा में बोला जा रहा है, सतानंद में उस व्यक्ति के तीन पीढ़ी को मुक्ति प्रदान करता हूं जो एकादशी का व्रत करते हैं। इसलिए है मेरे दूतों, यमराज बोल रहे हैं अपने सुनों से, अगर आप वास्तव में मेरा कल्याण चाहते हैं तो उन लोगों को मेरे पास मत लाइए, चाहे उन्होंने सैकड़ों पाप किए हुए, लेकिन अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको मेरे पास मत लाइए। आगे बोला गया, वरम चांडाल जातिया एकादशी उपवास कृत नातु विप्रश चतुर्वेदी यो भुंगते हरिवासरे। अगर कोई चांडाल व्यक्ति भी
एकादशी का व्रत करता है तो वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाएगा, चाहे वह ब्राह्मण चारों वेदों का ज्ञाता भी क्यों ना हो। लेकिन अगर वह एकादशी के दिन कुछ खाता है तो ग्रहण करता है। इसी प्रकार से द्वादशी की महिमा का भी वर्णन किया गया है, एकादशी द्वादशी। इसके बाद कहा गया है एकादशी क्या है ये सब? तो एकादशी के बारे में बोला गया, इतनी एकादशी की महिमा क्यों है, एकादशी के इसके बारे में बोला गया है। यासा विष्णु मयि शक्तिर अनंता व्याप्या स्थिता सातेना तिथि रूपेण द्रष्टव्य एकादशी सती। वह जो भगवान की असीमित शक्ति है, जो सारे संसार में व्याप्त है, और वह जो सती शक्ति है भगवान की, वही पवित्र दिन एकादशी के दिन उत्पन्न हुई, इसीलिए एकादशी का महत्व। भगवान की असीमित शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो उनकी सती है, तो वही एकादशी के दिन उत्पन्न हुए। कृत्वा पापा शास्त्राणि ब्रह्म हत्या शतानि व एकाम एकादशी भक्त्या समयोपासय सुचिर भवेत। हजारों हजारों पाप करने के बाद अगर कोई जब जो शुद्ध होना चाहता है उसे स्ट्रिक्टली एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी का व्रत पालन करने से वो सारे फल प्राप्त किए जा सकते हैं जो दूसरे दिनों में उपवास के कारण होते हैं। जो भी फल होते हैं वो सब एकादशी के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद आगे बताया गया कि जो सिंफुल एक्टिविटी पांच प्रकार से क्लासिफिकेशन की गई, पातक, अति पातक, उपपातक, महापातक और प्रकीर्ण, ये सारे के सारे पापुण क्रियाएं धुल जाती है एकादशी का दिन फास्टिंग करने से। जैसे मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी धीरे धीरे उड़ जाता है। इसके बाद बोला ये गायत्री यथा सर्व पापंजरा भेदिनी एकादशी तथा सर्व पापेंजर भेदिनी। जैसे गायत्री मंत्र है सारी पाप पूर्ण क्रियाओं से व्यक्ति को मुक्त कर देता है, उसी तरीके से एकादशी का जो संकल्प है वो भी सबको शुद्धिकरण कर देता है। आगे प्रहलाद महाराज बलि महाराज को बोलते हैं, नोष्णावत्तम द्विजे राजे ही
सीता उतन्ना हुताशने वैष्णवानां पापत्वं एकादशी उपवासिनं। जैसे चंद्रमा पे कोई गर्मी नहीं है, जैसे चंद्रमा पे कोई गर्मी नहीं है, जैसे फायर में कोई शीत नहीं है, उसी प्रकार से जो लोग जो वैष्णव एकादशी के दिन व्रत करते हैं उनको पाप पुण्य कार्यों का फल नहीं भोगना पड़ता। और एकादशी की क्या महिमा? एकादशी महापुण्य विष्णु इस्य बल्लभा तस्याम उपोषितो यास्तु द्वादशीयम पूजयेत हरिम तस्या पापानि नश्यन्ति विष्णु भक्तिश्च जायते। एकादशी भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बहुत प्रिय है। एकादशी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बहुत प्रिय है और ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य कम प्रदान करती है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है और भगवान हरि को द्वादशी के दिन पूजा करता है और उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वो सारे प्रकार के पाप पुण्य कर्मों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। महापातक युक्तो वा युक्तो वा सर्वना पातक एकादश्यम निराहार स्थिवा यति परम पदम। जिन्होंने बहुत पापपूर्ण क्रियाएं भी की हुई है, बहुत सारे पाप भी किए हैं, वो भी सारे शुद्ध हो जाते हैं और भगवान का धाम प्राप्त करते हैं जो एकादशी के दिन फास्टिंग करते हैं। इसके बाद एकादशी के दो प्रकार की बताई गई। एकादशी च संपूर्ण विधेने द्विधा स्मृता विधा च द्विधा तत्र त्यज्य विधु तपूर्वजा। दो प्रकार की एकादशी होती है, प्योर एकादशी और एक मिक्स एकादशी। मिक्स एकादशी फिर दो प्रकार की होती है, पूर्व विधा और पराविधा। अगर कोई एकादशी दशमी के साथ मिक्स है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। नागा विधा चया षष्ठी शिव विधा च संपति दशमेय एकादशी विधा तत्र तो उपवासेद बुद्ध। जैसे षष्ठी अगर पंचमी के साथ मिक्स हो गई या सप्तमी षष्ठी के साथ मिक्स हो गई और अगर एकादशी दशमी के साथ मिक्स हो गई तो उस दिन उपवास नहीं करना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में हम लोग एकादशी जो द्वादशी के साथ मिक्स है उस दिन उपवास करते हैं। अगर प्रीवियस डे से मिक्स है तो उपवास नहीं करते हैं, अगले दिन से मिक्स होना चाहिए। अगर एकादशी षष्ठी पूर्णिमा चतुर्दशी तृतीया चतुर्थी अमावस्या अष्टमी दूसरे दिन एक्सटेंड करते हैं तो उपवास करते हैं, अगर पिछले दिन से मिक्स है तो नहीं करते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा प्योर एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए और प्योर द्वादशी के दिन और एकादशी मिक्स विथ द्वादशी के साथ। बट कभी भी एकादशी जो है दशमी के साथ मिक्स है उस पर उपवास नहीं करना चाहिए। इसके बाद बोला गया दशमी एकादशी यत्र तत्र नोपवास बुध अपत्यानि विनियस्त्यानि स्वर्ग लोकम न गच्छति। एक बुद्धिमान जो भक्त है
उसको ऐसा एकादशी नहीं करना चाहिए जो दशमी के साथ मिक्स। दशमी के साथ अगर एकादशी मिक्स है तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। अगर एकादशी मिक्स है दशमी के साथ में, इवन ए टिंज ऑफ दशमी शुड बी रिजेक्टेड। जैसे गंगा जो है, गंगा का पानी अगर मदिरा के साथ टच भी हो जाए उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर दूध है, दूध का जो बर्तन है वो डॉग की स्किन से टच हो जाता है तो उसे भी रिजेक्ट हो जाता है। सिमिलरली एकादशी जो है वो दशमी से स्पर्श होती है तो वो पॉल्यूट हो जाती है। इस प्रकार से ये एकादशी की महिमा है। और एकादशी दशमी वाली एकादशी नहीं करके एकादशी का द्वादशी के साथ जो मिक्स करना चाहिए, इसमें एकादशी जो दशमी से मिक्स है उसको करने से अपराध होता है। सो डिवोटी जो भगवान के भक्त हैं वो एकादशी जो दशमी से प्रीवियस डे से टच होता है उसका उस दिन उपवास नहीं करता। उसे मिक्स एकादशी बोलते हैं। ये प्योर एकादशी नहीं। प्योर एकादशी वो है जो दशमी से टच नहीं करती, जो द्वादशी से टच करती। ये सब एकादशी की महिमा है। फिर से वर्णन आता है कि व्यक्ति को मिक्स एकादशी का दिन उपवास नहीं करना चाहिए, उसे प्योर एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। अगर एकादशी मिक्स है दशमी के साथ एकादशी मिक्स हो रही तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन फास्ट करना चाहिए। इसलिए हम इस्कॉन में देखते हैं कई बार द्वादशी, जब बाकी सब जगह एकादशी एक दिन पहले हो गया तो इस्कॉन में डिवोटीज द्वादशी के दिन फास्ट करते हैं और त्रयोदशी के दिन फास्ट ब्रेक करते हैं। तो एकादशी जो है द्वादशी के दिन मिलती है तो द्वादशी के दिन फास्ट करना चाहिए और त्रयोदशी के दिन उस फास्ट को ब्रेक करना चाहिए। एकादशी ऋषिनम तु द्वादशी चक्र पानी है। जो एकादशी के डीटीस हैं, देवता है, वो ऋषि मुनि हैं, संत लोग हैं, और द्वादशी के जो डीटी हैं वो स्वयं भगवान है। इसलिए
एकादशी से द्वादशी से टच करती उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन एकादशी दशमी से टच करती उसको नहीं, तभी एकादशी का फल मिल पाएगा। एकादशी जो ऋषि मुनियों के है और द्वादशी भगवान हरि की। एक को तुलना की गई, एकादशी भगवान के शरीर के समान है, द्वादशी उनकी आत्मा के समान है। कुलवश विश्वगंधी हरिश्चंद्र नल प्रथु मारुत भरत कार्तिवी अर्जुन हय मानधाता सागर रामचंद्र कुक्षता नहुष, ये सब जो इन्होंने जो व्रत लिया, द्वादशी का व्रत लिया, और इस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े राजा बने और कुछ लोगों में आनंद प्राप्त किया। तो ये एकादशी की महिमा और द्वादशी की महिमा है। अब इसके पश्चात और भी है एकादशी द्वादशी की महिमा, आज हम इसको यहीं तक श्रवण करेंगे और इसके आगे जो है हम कल की क्लास में श्रवण करें एकादशी द्वादशी के बारे में। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में कोई प्रश्न होगा तो हम कल के क्लास में लेंगे। हरे कृष्ण।